heard of a remarkable act of courage in Pakistan this week. 6 जनवरी को हंगू के इलाके इब्राहिम जई में होने वाले खुदकुश हमले में एक बच्चा जान बहक हुआ था. इस बहादुर बच्चे ने अपनी जान देकर सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बचा ली. Ehtezaz Hassan Bangash was on his way to school when he died, stopping a suicide bomber to save the lives of his school friends. Well, people across Pakistan have been paying tribute to the bravery of this young hero. उस दिन जब उसकी शहादत हो रही थी तो जब मैं कमरे में दाखिल हो रहा था तो ये बिल निकल रहा था ना, तो हमारी क्रॉस हुई. इसने सलाम किया, मैंने वालेकुम सलाम किया. मैंने कहा कि खान साहब जा रहे हैं, स्कूल जा रहा है. तो बस उसने कुछ नहीं किया, वो गया. कोई 4-5 मिनट इतना टाइम भी नहीं गुजरा है तो इस दौरान ब्लास्ट हो गया ना. अम्मी कह रही लगी कि अभी तो एतजाज घर से निकला है तो एतजाज को कुछ ऐसा ना हो कि कुछ हुआ. तो मैंने कहा कि एतजाज तो अभी स्कूल भी नहीं पहुंचा होगा. फिर अम्मी ने कहा कि सिर्फ एतजाज जो है वो जख्मी है और सब कुछ ठीक है. मैंने कहा अम्मी यार आप सुबह का टाइम है, आप इस तरह क्या बात कर. तो सारे पूरे गांव वाले दौड़ रहे थे स्कूल की तरफ ना, तो मैं भी उसमें दौड़ रहा था. तो लोग मुझे देख रहे थे लेकिन मैं नोटिस नहीं कर रहा था कि सारे लोग मुझे देख रहे. उसके बाद मैंने कुछ दोस्तों से कहा कि आप बात करें क्या हो गया. तो सारे ने जो है ना मुंह फेर दी, कोई बात ही नहीं कर रहा था. काफ़ी रश्ता तो उसमें मेरा एक करीबी दोस्त था, तो उसने कहा कि आप इस तरह कि आप मुझे कहा कि आप बहादुर बंदे हो और आप जो है मेरी बात सुनो, ठीक है कुछ भी नहीं हुआ है और एतजाज थोड़ा ज़ख्मी है, उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है, आप हॉस्पिटल चले जाएँ. इसी दौरान मेरे अब्बू की कॉल आ रही थी. वो दुबई में थे, वो शायद टीवी देख रहे थे. तो जब मैंने अब्बू का कॉल देखा तो उसकी घंटी ख़त्म हो गई. फिर मैंने अपनी मोबाइल जो है ना ऑफ की कि यार मुझे अब्बू कॉल दोबारा. और फिर मैं हंगू हॉस्पिटल गया. एक जो दोस्त मुझे जिसने पहले मुझे बताया कि आपको मुबारक हो, वो अभी भी मेरे दिल पे है. वो मेरा दोस्त, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो उसने मुझे कहा कि मुबारक हो एतजाज ने इस तरह काम किया. तो मैं काफ़ी रो रहा था, काफ़ी इतना दिल दुखा था भाई. पे इतना रो रहा था ना, ऐसे बिल्कुल खामोश हो गया. तो फिर घर में अम्मी थी, मैंने कहा अम्मी को पता है क्या, किसी को पता नहीं था. तो फिर उसको भी पता चला और वो दिन काफी सख्त था हमारे लिए. साढ़े 8 बजे का टाइम था, स्कूल की असेंबली शुरू थी. दो बच्चे वो लेट थे, एतजाज भी था लेकिन एतजाज पीछे था. तो एक हाईएस कड़ी हो गई, उससे भी एक बंदा, एक लड़का जो है ना स्कूल की यूनिफॉर्म में उतरा है. तो इस दोनों ने आवाज दी इस बच्चे को ना. तो उसने कहा कि आप किधर जा रहे हो. उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ. फिर लड़कों ने कहा कि ये तो आप तो हमारे स्कूल के नहीं हो. उसने कहा कि मैं अभी प्रिंसिपल साहब से बात की है तो अभी ये दाखिला अभी मिलेगा. तो उसने कहा कि अभी तो दाखिलों का टाइम भी नहीं है. लड़कों ने कहा एतजाज अभी आ रहा है, तो अभी इन दोनों से ये बंदा बात कर रहा है. उस जो खुदकश था उसकी शायद ये गलती थी या कोई, तो उसकी हाथ में एक शापर थी. तो उन दोनों ने उस शापर पे जो नज़र डाली कि इसमें क्या है, तो उसमें एक 30 बोर पिस्तौल थी और दो जो है हैंड ग्रेनेड थे. फिर उन दोनों ने कहा कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, आप इधर रुक जाओ, हम प्रिंसिपल साहब को बताते हैं, वो आते हैं फिर आपसे बात करते हैं. जैसे ही ये दोनों बच्चे रवाना हो गए तो ये भी आराम आराम से पीछे चलने लगे ये खुदकश. फिर ये दोनों ये पलट के आ गए कि इस तरह वो जो चेस्ट पे उसने हाथ रखी खुदकश को कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप रुक जाए इधर. जिस तरह टच किया तो उसका जो चेस्ट था वो काफ़ी सख्त था.
ये कंफर्म हो गया कि ये बंदा जो है ना ये खुदकश है। तो इसी तरह दौरान एहतजाज ने मेन रोड क्रॉस किया और दोनों ने एट ए टाइम आवाज लगाई कि एहतजाज खुदकश थे। फिर एहतजाज ने उसे ये कहा कि आप दोनों इधर से चले जाएं बस। तो एहतजाज जब भाग रहा था खुदकश के पीछे, तो फिर एहतजाज ने पहले अपनी चादर गिराई, चादर काफी दूर पड़ी थी ना उससे, फिर अपना बैग गिराया। हाथ हाथ ही मेरे ख्याल में एहतजाज ने नहीं लगाया। ये तो खैर न्यूज में बात आती है कि एहतजाज ने हाथ लगाया, एहतजाज ने हाथ नहीं लगाया थी, मतलब एक कदम शायद था या दो कदम, इससे ऐसी ब्लास्ट हुआ। ये तो फिर खुदकश और एहतजाज जो है ना वो काफी दूर पड़ा था उस पॉइंट से। अगर वो असेंबली को हिट करता तो वो तकरीबन 320 या 340 उसकी तादाद थी, स्टूडेंट की और साथ असेंबली में स्टाफ की कड़ी होती है। बस ये है कि वो बच गए सारे। और सबसे बड़ा मैं हूँ और मेरे बाद दो बहनें हैं, और दो बहनों के बाद जो है एहतजाज था, एहतजाज सबसे छोटा था। पूरे घर में वो ऐसा था कि बस जब खुराक की बात होती थी तो एहतजाज का नाम पहले नंबर पर होता था, क्योंकि खुराक का बहुत ज़्यादा शौक था। हमारा चचा बाहर से आ रहा था, तो फिर उसके लिए जो गाँव घर में जो जो चिकन पका था, तो जब रात का टाइम हो गया तो मतलब किसी को पता ही नहीं चला वो ये इसने जो जिसकी मैं सारा गोश्त खा लिया सारा। तो जब खाने का टाइम आया तो गोश्त नहीं था, तो किधर गया गोश्त, ये क्या हुआ ये क्या हुआ। तो जो चचा बाहर से आया था उसने कहा कि आप एहतजाज को तलाश करो। जब वो उसको देखा एहतजाज को, तो सारा घी के साथ सारा जो है वो सालन वगैरह के साथ उसके जो कपड़े थे वो खराब थे ना, तो काफी इतनी मजाक हंसी हुई उस दिन ना। वो स्कूल में तो इतना लायक नहीं था, जो क्लास में दो तीन नालायक होते हैं ना, तो दो तीन नालायक में एक एहतजाज भी था। तो एक तो पूरे स्कूल में किसी को मोबाइल अलाउ नहीं था ना, ठीक है। तो उसमें ये मज़ा था कि वो उसका जो प्रिंसिपल जितनी स्टाफ थी उस सारों के साथ वो गोल मिल के, मतलब टीचरों के साथ वो दोस्त था ना, शागिर्द नहीं था। तो इस वजह से भी वो अपने साथ मोबाइल लेके जाता था। अब बाकी स्कूल में जो है वो पाबंदी होती थी, मतलब पूरे गांव के साथ उसकी ताल्लुक थी, कोई 5-10 बंदे उसको एट ए टाइम तंग करते थे, लेकिन वो काफ़ी था सारों के। शौक थी कि मैं फौज में चला जाऊं। मैं अक्सर कहता था कि आप तो फौजी ऐसे नहीं होते, जिस तरह आपकी वजन है ना, तो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ कोई खुराक के मुकाबले किया करो, ठीक है, तो उसमें शायद आप निकल जाओ, बाकी आपका काम नहीं है फौज। हमारे पूरे घर में शिकार का सारे शौकीन हैं शिकार, तो अक्सर मैं एहतजाज साथ ही शिकार करते थे, क्योंकि अक्सर मैं अकेले जाता था। फिर जो है अबू तो बाहर होते थे, अम्मी फिर डांटती थी कि यार आप अकेले जा रहे हो, एहतजाज को भी साथ देती थी। तो ये काला तीतर हो गया, ये मुर्गा भी हो गई इसकी शिकार, बस अच्छा था, उसकी फायरिंग वगैरह जो है थी अच्छी थी। जैसे हमारे पहाड़ों में बस पौधे ऐसे होते हैं ना कि वो आप कपड़ों में फिर वो घुस जाते हैं ना, तो ये जो ये पैंट शर्ट जो आर्मी की जो ये वर्दी होती है वो काफ़ी मोटा है, तो इस वजह से ये सारे हमारे लोग पहनते हैं, जो लकड़ी लाते हैं ना वो भी पहनते हैं ना। जब एहतजाज की शहादत हो गई ना, तो हमारे यहाँ के जो लोग आते थे जब फातिहा पाने के लिए, तो इस तरह करते थे सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो, ठीक है। फिर कहते थे कि नहीं हम फातिहा के लिए नहीं आए हैं, दुआ के लिए नहीं आए हैं, तो फखर हर लम्हे फखर होती है, हर लम्हे फखर होती है, ऐसा कोई लम्हा नहीं है कि फखर नहीं कहते। तो भाई ने ऐसे काम किया है कि जो है पूरे पाकिस्तान में अंतिम बुलंद सर बुलंद करते जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया,
So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.